जब अंग्रेज का राज आया तो ये जो सामने में जंगला दिख रहा है उस जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, टूटा नहीं, यह दाग होकर रह गया। स्क्रिप्ट है ब्राह्मी लैंग्वेज है संस्कृत और ये उल्टा पढ़ा जाता है जैसा उर्दू में। राजा बिंबिसार जो थे उनका खजाना छुपाया गया है और वही है वो एंट्रेंस, देखिए एंट्रेंस है और इस एंट्रेंस के बाद यहाँ आवाजें गूंज रही हैं, आप देख रहे होंगे। उस समय मगध का जो राजा थे उनका नाम था बिंबिसार, इतिहास में चर्चा है कि राजा बिंबिसार का भंडार खजाना रहा होगा। अंग्रेज का राजा आया तो ये जो सामने में जंगला दिख रहा है उस जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, टूटा नहीं, यह दाग होकर रह गया। भारत ये गेट इसी से अंग्रेज जो थे उन्होंने यहाँ से बनाए गोल लगाया था तोप, और यहाँ से गोला लगाने के बाद आप देखिए ये ऐसे यहाँ लगाया गया था और इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस एक ये निशान आप देख सकते हैं, बस एक यही निशान बना और इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। और यही वो दरवाज़ा है जिसे मंत्र की सहायता से बंद किया गया। अब ये दरवाज़ा खुलने का एक तरीका लिपि माना जा रहा है। यही देखिए प्राचीन मौनी का शिलालिपि है भाषा, इसी लिपि के बारे में इतिहास पर चर्चा है कि लिपि जो विद्वान पढ़ेंगे वो दरवाज़ा आप पे आप खुल जाएगी, लेकिन ये हकीकत कहाँ तक सच है सर, तो लिपि किसी ने पढ़ा नहीं। कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि संख लिपि है क्योंकि उत्तरी भारत हैं। यही वो दरवाज़ा है और इसे खोलने की कोशिश की गई लेकिन अब तक ये खुल नहीं पाया है और अंग्रेज़ों ने इसे खोलने की जो कोशिश की थी उसका ये निशान अभी आप देख सकते हैं, यही वो निशान है। और इस गेट के खोलने का मंत्र ऐसी मान्यता है लेकिन इसका भी प्रमाण अभी किसी के पास नहीं है। ये जो यहाँ आप देख सकते देख रहे हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो मंत्र लिखा गया है ये जैन मुनियों के द्वारा लिखा गया था और ये लिपि जो संख लिपि है जिस जो एक प्रांतीय क्षेत्र में भाषा होती थी और इसका इसकी जो बुक थी वो नालंदा विश्वविद्यालय में जो कि अब कुछ अवशेष नहीं बचा वो सारा जल के नष्ट हो चुका, इसलिए अभी तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया है आप देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा इस गुफा के बाहर भी एक मंत्र लिखा हुआ है और इस गुफा के बाहर को बनाने का रहस्य जो कि बिहार सरकार ने उसे पढ़वाया है उसका एक अलग मतलब है और उसके बाद मैं आपको बताऊँ जो यहाँ जैन मुनि होते थे उन्होंने अपना प्रचार प्रसार के लिए यहाँ खुदवाया था, ये देखिए। और एक यहाँ पत्थर की मूर्ति यहाँ मूर्ति थी यहाँ पे जो कि बिहार गवर्नमेंट ने यहाँ से निकाल दिया और ये जो देख रहे हैं यहाँ इसके नीचे मूर्ति थी, ये लगभग 1.5 फुट नीचे गड्ढा है और इसे निकाल के म्यूजियम में रखा गया है। ये लिपि आपका गुप्त ब्राह्मी है, स्क्रिप्ट है ब्राह्मी लैंग्वेज है संस्कृत और ये उल्टा पढ़ा जाता है जैसा उर्दू में पढ़ा जाता है, तो इसका संस्कृत में अनुवाद इस प्रकार हुआ है, निवाणा लाभाय तपस्वी योग्य शुभ गुहे अरहंत प्रतिमा प्रतिष्ठते आचार्य रत्नम मुनि वैर देवा 3rd century AD। इससे यह निष्कर्ष निकला सर कि 1700 पूर्व जब राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र चली गई तो मुनि भैरव देव स्वामी साधना मुक्ति परिनिर्वाण एवं जैन धर्म प्रचार के उद्देश्य से यहाँ के पत्थरों पर तीर्थंकरों का मूर्ति खुद बना। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं देखिए वो सब वो 1.5 फुट गड्ढा है और अब तो वो भर चुका है और उस गड्ढे में ऐसी मान्यता है और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके ऊपर यहाँ पे पूरा एक ब्राह्मणानुमा बनाया गया था, देखिए आप इस तरीके से यहाँ बनाया गया था और ये भूकंप के बाद ये भूकंप आया उसके बाद ये टूट गया और ये विशाल पहाड़ जो है इसी पहाड़ के पीछे